मैंने बोला था ना ज्योति, क्रिमिनल है हमारा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग मज़े में, ठीक ठाक हैं, खुश हैं और हमारे व्लॉग्स देख रहे होंगे जो कि दो हफ्ता पहले आखिरी आया था। मैं जानता हूँ लेट हो गया, लेकिन दो तीन व्लॉग्स पड़े हैं, थोड़ी सी लेजीनेस हो रही है कि इसको तो हम टाइमली कर लेते हैं, उसको थोड़ा टाइम हमें और देना पड़ेगा। तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर लें आप लोग। आज आ गया है जी किस मूवी का ट्रेलर? एनिमल, जिसका कि हमने टीज़र देखा था। एक तो लुक बड़े कमाल की है, पहले तो हाँ एक स्टूडेंट लुक आती है, फिर वो जवान हो जाते हैं, फिर उनकी उनकी फादर के साथ कुछ अनबन सी दिखाते हैं, फिर उनकी लव लाइफ रश्मिका दिखाते हैं, और उसके साथ फिर एंड में एकदम से बाल चाल लंबे और वो वायलेंस लड़ाई झगड़ा। एंड में एकदम से बॉबी देओल आते छुरी पकड़े हुए, स्माइल देते हैं और वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन हमने ये भी लिखा था ना कि कुछ ब्लड का भी कुछ है बीच में। हाँ। फादर और बाप बेटे की एक बॉन्ड होगी जो एक मतलब टेस्ट होगा, पता नहीं कुछ। हाँ। इस तरह का था कुछ, कोई बाप बेटे का कुछ रिश्ते का भी इसमें है। और इसके काफी सारे गाने भी आ चुके हैं, द ग्रेट अरिजीत सिंह ने गाए हुए गाने। हम अनफॉर्चुनेटली गाने अनफॉर्चुनेटली हम नहीं देख पाए, बहुत सारे लोग गिला भी करते हैं, तो जरूर देखेंगे वो भी। आज हम लोग देखने जा रहे हैं जी इसका ट्रेलर, देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। स्टे विद अस। ओके पापा, लेट्स प्ले अ गेम। मैं पापा और आप बेटा। आपको याद है फिफ्थ स्टैंडर्ड में था और माइकल जैक्सन का कॉन्सर्ट हो रहा था बॉम्बे में। यू न्यू व्हाट अ बिग फैन आई वाज ऑफ माइकल जैक्सन। मेरे सारे दोस्त जा रहे थे पर मैं नहीं गया क्योंकि आपका बर्थडे था। उसी दिन को रिप्ले करते, कुछ नहीं करना आपको, आपको बस पापा पापा करना है और मैं आपकी एक्टिंग करूंगा। ओके, शिद्दत से करना पापा, मेरा एक ही मौका है। ओके, एक्शन पापा। पापा पापा एक्टिंग करने। पापा सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। उसको उसका ही बता रहा है कि कैसे तुम्हारा सलूक था मेरे साथ। He adores you. तो उसके लिए सुपर हीरो। दिन में 10 मिनट भी नहीं दे सकते अपने बेटे को। हफकटमा है, पापा को छोटे बाल वाला हेयरस्टाइल पसंद है। नाइस हेयरकट, पर तुम लंबे बालों में भी अच्छे लगते हो। आई ग्रो अगेन पापा। समझ गए यार, जब तू वापस आया तो मैं कितना खुश था, पर तूने जंग शुरू कर दी। जंग मर क्या है वो? टाइम बताएगा। मेरे पापा के लिए मेरा प्यार फेल है, पास है या दुनिया में सबसे फर्स्ट है। मैंने बोला था ना ज्योति, क्रिमिनल है हमारा बेटा। तेरे पापा के लिए प्यार जोक नहीं, रोग है। I really wish you died that day. ओए होए, किसने मार दिया? अब मैं वापस आ गया था तुझे, कहीं जाऊंगा। जिसने भी पापा पर गोली चलाई, बलबीर सिंह पर गोली चलाई, मैं वादा करता हूं अपने हाथ से गला काटूंगा उसका। बदला लेने लगे हैं। बदला नहीं पाया है। ये सब प्लान करने से पहले मुझसे पूछा होता, अब से 100 चीजें करूंगा पापा, हर बार आपकी परमिशन नहीं दे सकता। मैं गो से लड़ता नहीं, उन्हें खा जाता हूँ। आज के बाद एक खरोच भी आई, दुनिया चला दूंगा पापा। ओए 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 सही है ना मैंने। ओ सब कुछ सारी दुनिया जला देंगे। ये क्या मार दिया?
ये क्या? रणबीर कपूर नीचे थे और बॉबी देओल ऊपर थे, लेकिन रणबीर कपूर को कुछ हुआ नहीं होगा यार। ये मैंने क्या विटनेस किया एंड में, मेरे गूज़बम्प्स पता है कैसे है? वो अगर तुझ पीछे वो गा रहे भी प्राग, अगर तुझे हो गया कुछ सारी दुनिया जला देंगे। बेसिकली जैसे वो दिखाते हैं ना कि शुरू में उनके फादर उनको इस तरह से टाइम नहीं दे पाते, हाँ, क्या तो लेकिन चीज में रह जाती है। हाँ, एक चीज बच्चे में एक वो, हाँ, रह जाती है ना, लेकिन फिर भी बाप से प्यार उनका बहुत है। बोलती है मदर ही इज ऑब्सेस्ड विद हिज फादर, कि वो तुमसे बे इंतहा प्यार करता है। बाप बोलता है बाल छोटे अच्छे लगते हैं, वो कहता है मैंने छोटे रख लिए, नहीं आपको पसंद है, हाँ नहीं तुम बड़े में बालों में भी अच्छे, पापा मैं आई विल ग्रो इट अगेन। तो वो जुनूनी है बाप के लिए, और वो कहते हैं ना कि अगर एक खरोश भी आई ना पापा तो सारी दुनिया को जला दूंगा। और शुरू का जो सीन अगर आप देखें, यहाँ से स्वेल है आंख एंड वो कह रहे हैं कि आपने सिर्फ थोड़ी देर के लिए आप बन जाए, मैं हूँ, आपने मुझे पापा बुलाना। और वो सीन मैं समझ गया था कि कोई ऐसा सीन ही आएगा, तो जब वो पापा पापा बोलते हैं और एकदम से वो बोलते हैं हाँ सुनाई दे रहा है मुझे, सुन रहा है, तो वो उसको अनिल कपूर को एहसास होता है हाँ ये मैंने किया था। रश्मिका एक जगह कुछ कहती है तो उनका गला पकड़ लेते हैं ना, हाँ तुम अपने बाप के लिए वो हो एक्सट्रीमिस्ट हो इस तरह कुछ करके ना, तो उनको शायद अच्छा नहीं लगता, इससे अच्छा था उस दिन मारी जाता वो। तो बाप की जाहिर है ऑब्वियसली उसके फादर के बारे में उसने गला पकड़ लिया था उसका। और एनिमलिस्ट मूवी का नाम ठीक है, वो बड़ी गन मशीन गन देखी थी, वो कहते हैं कि हॉस्पिटल में बाप को गोली लगती है अनिल कपूर को, तो वो कहते हैं कि उसका तो गला मैं काटूंगा। और फिर एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि ये इस लाइन में जाते क्यों है, ये जो खून खराबे वाली है ना, ये क्यों जाते? कहती है ना अनिल कपूर के, मैं तुम्हें कहा था ना कि हमारा बेटा क्रिमिनल है, तो एक जगह वो कहते हैं कि मेरे दिमाग में जो गोश्त होते हैं मैं उनको जला देता हूँ, कुछ इस तरह से कहते हैं। ये रणबीर कपूर ठीक होते हैं, अपने फादर की वजह से ही जाते हैं, इस तरह ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि जब इनके फादर को गोली लगती है ऑलरेडी रणबीर कपूर के बड़े बाल होते हैं, वो क्राइम्स वगैरह कर रहे होते हैं, तो फादर के लिए तो वो बिल्कुल ही वो हो जाते हैं ना कि हाँ। और बॉबी देओल एक जगह बॉबी देओल है ना शादी हो रही है, फुल खूना खून, जिस तरह की उनके किसी डियर वन की किसी करीबी को मार दिया गया, और बदला एंड में वो ले रहे हैं वो एयरपोर्ट टाइप जगह है, रणबीर कपूर के ऊपर लेटे हैं, उनको मार रहे हैं, सिगरेट सिगरेट जलाया है, रणबीर कपूर को हुआ कुछ नहीं होगा। हाँ लेकिन बॉबी की वो एक्सप्रेशन चंद सेकंड आया, बट वो बॉबी देओल विलन होंगे ना, हाँ मुझे विलन लग रहे हैं, तो बॉबी के वो एक्सप्रेशन मुझे अभी तक आ रहे हैं। वो जो एक जगह दिखाते हैं कि गेमर गेमी मची हुई है, पुलिस वाले हैं, वो भाग रहे हैं, फिर आवाज देते हैं पापा कुछ इस तरह करके, और बी प्राक ने गेम उठाई है पीछे उस गाने से। ये भी है कि रणबीर कपूर जो स्क्रिप्ट चूज करते हैं ना वो बड़ी अच्छी करते हैं। अच्छा मुझे एंड के कुछ 30-40 सेकंड तो बहुत गूज बम्प्स, वाकई में मेरा चेहरा और यहाँ पे ना वो फीलिंग आ रही थी, साथ वो गाना चल रहा था ना बी प्राक का, और एक्सप्रेशंस थ्रू आउट रणबीर के, बॉबी के, और मूवी की जो एक बाप के लिए इतना जुनूनी है कि वो कुछ भी, बीवी का गला भी, बीवी को भी, हाँ और बीवी बच्चा भी है, लेकिन वो आई थिंक बच्चा या बच्चे हैं दोनों, बहरहाल बहुत ही इम्प्रेसिव है यार। लेकिन अब ये नहीं पता कि शुरू से क्रिमिनल होंगे या अब, हाँ ये तो मूवी देख के पता चलेगा, लेकिन ये कमाल होने वाली मूवी। और हाँ संदीप रेड्डी वांगा जिस तरह कबीर सिंह बनाई है, थोड़ी सी इस तरह की फिल्म्स ही बनाते हैं जिसमें ज़्यादा थोड़ा इस तरह का होता है, वायलेंस होती है, और अच्छी वाइब्स आ रही है। हाँ अच्छी वाइब्स आ रही है। आपको कैसा लगा मैं जरूर बताइएगा, रिएक्शन अगर अच्छा लगा तो। सो यू वांट टू डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और हमारे ब्लॉग चैनल जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट फोटो स्टोरीज अपडेट्स के लिए। इसी तरह हम आपके लिए लाएंगे नए और डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन डेली, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।